ईमान ही मेरी जंग है और इसमें तुम्हें नुकसान पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्ही ने कहा था ना कि आज डर गई तो सारी जिंदगी डर के गुजारनी पड़ेगी। ईमान, मैं डर नहीं रहा, मैं एहतियात कर रहा हूँ। आज मैंने बाबा की आंखों में खून देखा है। उनका वही 22-23 साल पुराना चेहरा मुझे याद आ गया। एक दिन माँ के साथ लड़ाई के बाद भी उन्होंने यही कहा था, तुम अब अपने बाप का किया भुगतोगी। उसके बाद माँ, ईमान, मैंने आलम साहब से तुम्हारी हिफाजत का वादा किया है। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा कीमती और कोई नहीं। जानते हैं, पर मैंने भी सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया है अपने आप से। सालार, हम पार्टनर्स हैं ना, और फिर ये कैसी पार्टनरशिप कि जब दूसरा पार्टनर मुसीबत में हो तो पार्टनर छोड़ के भाग जाए। ईमान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे यहां होते हुए मैं उनसे सही से लड़ भी नहीं पाऊंगा। क्यों सालार, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर मैं चैन से जी लूंगी? तुम वो ही करो जो तुम करना चाहते हो, आराम से, सुकून से, बगैर किसी स्ट्रेस के। और वैसे भी जब नौबत धमकियों पे आ जाए ना, तो जान लेना कि सामने वाला कमजोर पड़ चुका है। और कल तुम्हारा इवेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं नहीं चाहती कि गवर्नमेंट को ये लगे कि तुमने सारी मेहनत अपने सिर्फ पहले इवेंट पे की थी। इस बार पलट के सिर्फ बाबा वार नहीं करेंगे। सैन भी उनके साथ है। Don't worry. We will deal with it. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, मैं ईमान बात कर रही हूँ, सलार है? मैम, वो तो घंटा पहले ही ऑफिस से निकल चुके हैं। आई गेस घंटे से भी ज़्यादा हो गए। उन्हें एक इवेंट में पहुँचना था। सब खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, वो सलार काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मैम, उन्हें काफ़ी कॉल्स आ रही थी अपनी टीम की तरफ से इवेंट के हवाले से। उन्होंने दो मीटिंग भी पोस्टपोन की इस वजह से। ठीक है, थैंक यू। धमाका हुआ है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर भट्टी के नीचे हुआ है। थोड़ी हैरानी सी।